हेलो दोस्तों, यदि आप वीवो में लॉक लगाकर पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल गए हैं और आपसे फ़ोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है और आप अपने फ़ोन में बार बार रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हो, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि अगर आप वीवो का कोई भी मॉडल यूज करते हो और आपके फ़ोन में लॉक लग गया है पिन पैटर्न पासवर्ड में और अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को देख के आप अपने फ़ोन में लगे हुए पिन पैटर्न पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हो बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। तो अगर आपके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे ना पैसा लिया जाएगा ना आपका टाइम वेस्ट होगा और ना इस वीडियो में कोई कंप्यूटर की मदद ली जाएगी और ना कोई सॉफ्टवेयर यूज होगा, तो कैसे करेंगे अनलॉक अपने हैंडसेट को वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आज के इस वीडियो में देख लीजिए और जान लीजिए आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो पहले हमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपके फ़ोन में जो भी लॉक होगा वो अनलॉक नहीं हो पाएगा और आपका पूरा का पूरा डाटा जो होगा लॉस हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा और अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो आराम से। तो क्या करना है, तो आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसा कि देख सकते हो मेरे फ़ोन में इस तरह के लॉक लगा हुआ है, तो लॉक अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन करना होगा, नहीं तो सिम कार्ड को निकाल लेना होगा अपने फ़ोन में से। तो आप फटाफट ये दो काम में से कोई एक काम कर लीजिएगा, ये काम होने के बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पर आइएगा। लॉक स्क्रीन पेज पे आने के बाद इमरजेंसी कॉल को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको एक कोड दिया जाए, सर्विस सेंटर का कोड आपको मैं देता हूँ इस फोन में, आप अपने फोन में कॉपी कर लीजिएगा ध्यान से बिना कोई भी अंक छोड़े, ठीक है ना। तो आराम से इस कोड को आप अपने फोन में डायल कर लीजिएगा कि बिना कोई दिक्कत हुए आपका फोन अनलॉक हो जाए। तो आप इस फोन में ये कोड को डायल कर लेने के बाद इसे एक्टिवेट कीजिएगा सर्विस सेंटर से। कॉल वाला ऑप्शन देख रहे हो, कॉल पे क्लिक करेंगे एक नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे, आपको ओके कर देना होगा और इस कोड को इरेज कर लेना होगा। बस इतना काम करने के बाद यहाँ पे एक मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज कीजिएगा *#899#। ये कोड डायल करने के बाद आप आ जाइएगा इंजीनियर मोड के फाइल पे, मैनुअल टेस्ट को ओपन कीजिएगा। सेकेंड नंबर डिवाइस पे आने के बाद जायरोस्कोप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जायरोस्कोप को ग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, ग्राफ को क्लिक करके इसे 2 या 3 सेकंड के लिए छोड़ दीजिएगा। जब आपका 2 या 3 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो फिर इसे बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद जायरोस्कोप नोइडर पे जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टेस्ट पे स्टार्ट कर देंगे, यहाँ टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग में क्या ऑप्शन आएगा हमें यहाँ पे आएगा, ये फाइल हो गया तो हमें कौन सा यूज करना है, नॉइज डाटा वाला। तो बैक कीजिएगा, यहाँ पे जायरोस्कोप नोइडर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। सेंटेंस चेंज हो जाएगा तो आप होम बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका वीवो का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।